अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजा हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत की सियासत। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी बहस है वो सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर चल रही है, उसी के गिर्द घूम रही है कि क्या मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, और अगर वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो इस हुकूमत का क्या होगा, और अगर वो नहीं आ रहे तो फिर मामलात सियासत क्या होंगे। एक पूरा बैच है सहाफियों का जो एक तरफ कह रहे हैं कि जनाब वो नवाज शरीफ आ जाए तो कल आए, एक जानब बैज सहाफियों का ऐसा भी है जो हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू के साथ है और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने तो कभी आना ही नहीं है। इस पूरे मामले के ऊपर एक नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के मामलात के हवाले से बाखबर तरीन सहाफी आसिम नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे तो शफीक भाई हैं और आज उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें टाइम दिया है। और अभी हाल ही में उन्होंने एक वीलॉग किया है जिसके अंदर उन्होंने धमाकेदार इंकशाफात किए हैं और पूरी की पूरी उन्होंने टाइमलाइन खींच दी है कि नवाज शरीफ कैसे आएंगे और क्या क्या कुछ करेंगे। तो आसिम साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछते हैं और उनसे हम कुछ वो सवाल करने की कोशिश करते हैं जो लोगों के जहनों में है। आसिम भाई, क्या हाल है आपके, ठीक ठाक है? जी बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी और आपकी दावत से इनकार नहीं कर सका। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आसिम भाई जल्दी से आ जाते हैं, आपके पास टाइम भी कम है। ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आधे लोग कह रहे हैं आ रहे हैं, आधे लोग कह रहे हैं नहीं आ रहे, बड़े बड़े एंकर कौन कौन कह रहे हैं नहीं आ रहे, कुछ कहते हैं आ रहे हैं, आप बताएं क्या हो रहा है? रजा देखिए, पाकिस्तान में या दुनिया भर में भी, खासतौर पर पाकिस्तान की अगर हम सियासत की बात करें तो यहाँ पर कोई भी चीज प्रेडिक्ट तो की नहीं जाती और समटाइम्स कुछ जोक होते हैं वो हकीकत का रूप धार लेते हैं और जो हकीकत होती है वो एक ख्वाब और एक मजाक के अलावा उससे आगे नहीं बढ़ती। इसी तरह पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ का उनकी हुकूमत की तो उस वक्त शुरू से ही कहा जा रहा था कि जा रहे हैं और वो वाकई चले गए। फिर कहा गया इनका ऑपरेट होगा, इनका इस तरह होगा और ये इस तरह जाएंगे, जो जो चीजें जो की जाती थी कि जो एज अ मजाक के तौर पर ली जाती थी और लगता नहीं था कि इस तरह होगा, वो तमाम चीजें हुई। इसी तरह 90 की दिहाई में भी था जब वो 2/3 मेजोरिटी के साथ आए तो हैवी मैंडेट था, लेकिन उसके बावजूद वो हैवी मैंडेट कहाँ गया सबको मालूम है। और आज की हम सियासत की बात करें, 2018 के बाद से जो सियासत का एक नया दौर शुरू हुआ है जिसमें सेंसरशिप भी है और दीगर तमाम मामला भी है, वहां पर आपको एक सहाफी को काम करने के लिए बहुत ज्यादा तगोदोह करनी पड़ती है। अगर वो खबर देता है तो फिर भी मरता है, नहीं देता वो अपने एडिटर्स के जरिए मरता है। तो ये तमाम चीजें इन्हें देखना पड़ता है, जहां तक रही नवाज शरीफ और इनकी पार्टी के हवाले से, क्योंकि जब से एग्जाइल से आए उसके बाद से मैं इन्हें कवर कर रहा हूँ और मेरी कोशिश यही हुई है कि जो हकायक है वो मैं आवाम तक लेके आऊँ। और आज भी जो मैंने अपना ये वीडियो किया था उसके बाद से मुझे बड़े फोन कॉल्स और इनकी हरारकी की तरफ से भी बल्कि काफी ज्यादा आ रही है, आपने तो हमारा वो कहते हैं ना जी कि आपने सारा प्लान जो है ना वो भी आप आगे ले आए हैं, जिसने भी आपने जो है वो हड्डियां चुराहे में फोड़ दी होंगी। हाँ, कुछ मामला ऐसे ही है जो उसके ऊपर काफी ज्यादा रिएक्शन भी देखने में आ रहा है और हमेशा सहाफी की जो खबर होती है उसके ऊपर रिएक्शन तो आता ही है और कोई सराहता है और कोई उस पर चीखता है। तो इशू ये है कि नवाज शरीफ की अगर हम सियासत की बात करें तो बिलाशुबा मुस्लिम लीग नून बेनजीर भुट्टो के बाद से पाकिस्तान में ये दो ही बड़े नाम थे। इमरान खान को जिस तरह लाया गया है, इमरान खान की एक अपनी उनकी करिश्माती पर्सनैलिटी और चीज है, लेकिन सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो वो सियासी तौर पर उनका कहीं भी स्टैंडिंग नजर नहीं आती और ना ही वो आने वाले मुस्तकबिल में सियासी शख्सियत के तौर पर जाने पहचाने जाएंगे। जो अपने साथियों को जिन्होंने नहीं बख्शा, जिन लोगों के साथ चल के वो इक्तदार की मसनद पर पहुंचे, उन्होंने उन्हें नहीं छोड़ा तो किसी और को क्या करेंगे। और सियासत जो है सबर और तहमुल का नाम है और जो इमरान खान में शायद नहीं है। रही बात नवाज शरीफ की, अगर हम सियासत की बात करें क्योंकि ये वापसी की सर, जी बिल्कुल, कि पंजाब की जो सबसे बड़ी जमात है उनकी लीडरशिप को माइनस करने की कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेट कह लें नूरी की तरफ से वो चीज माइनस हुई भी और नहीं भी हुई, क्योंकि अवाम के अंदर अभी तक जो वोट है वो नवाज शरीफ का है। अब रही आपके सवाल के मुद्दे की तरफ आ जाते हैं कि क्या नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो देखें नवाज शरीफ बिल्कुल आ रहे हैं, उनकी फैमिली से भी हमारी उनके बड़े करीबी अफराद से भी बात हुई, उनके जो दोस्त हैं उनसे भी बात हुई, उनके पार्टी के रहनुमाओं से भी बात हुई और उसके बाद जाके हमने जो जो कुछ चीजें चल रही थी
क्योंकि कहा ही जा रहा था या सादिक का बयान भी था कि 20 जनवरी को मैं लेने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल लंदन जा भी रहे हैं या सादिक, लेकिन क्या वो लेके आते हैं नहीं लेके आते हैं ये बात ही बात है। लेकिन अभी जो हमारे पास इत्तला आ रही है कि नवाज शरीफ ने अपनी पूरी प्लानिंग की है और वो मार्च के अंदर आने के लिए उन्होंने अपनी जो है प्लानिंग शुरू कर दी है, क्योंकि पार्टी की सीनियर कैडर की तरफ से यही तजवीज थी कि इन 3 माह के अंदर एक तो हुकूमत का पता चल जाएगा कि हुकूमत जा भी रही है या नहीं जा रही, क्योंकि अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो मुल्क की जो मौशी सूरतेहाल है वो सबके सामने है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो पाकिस्तान के मौशी इशारे हैं उन्हें देखते हुए, पाकिस्तान के अमन अमान की जो सूरतेहाल है उन्हें देखते हुए और दीगर मामला को देखते हुए मुस्लिम लीग नून की क्यादत ने ये फैसला किया है कि हम बहुत जल्दी की बजाय अगर हम से थोड़ा सा आगे करें और उस टाइम पर लाके जबकि लॉन्ग मार्च की हमारी मुकम्मल तौर पर हाइप बन चुकी हो और उस हाइप के अंदर आकर नवाज शरीफ खुद ऐलान करें कि मैं अब लीड करने के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ। सर सना बुज्जा साहिबा एंकर हैं, सहाफी हैं, सना बुज्जा साहिबा उन्होंने आज ट्वीट किया है कि मौलाना फजल रहमान जो कि इस पूरे लॉन्ग मार्च के हवाले से काफी सरगर्म है और पीडीएम के सरबरा भी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि नवाज शरीफ नहीं वापस आ रहे और वो इस हवाले से रिलक्टेंट हैं और उन्होंने अपने साथियों को भी कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बात करते हुए जरा ध्यान रखें। तो अगर वो रिलक्टेंट होंगे मौलाना और पीडीएम के सरबरा रिलक्टेंट होंगे नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर, तो हम कैसे यकीन कर रहे हैं? आप इस इंफॉर्मेशन को किस तरह तोलते हैं? आप किस राय क्या कह रहे हैं? मौलाना साहब के हवाले से कुछ भी कहना जो है वो मेरा ख्याल है वो अपने मुंह से अगर कुछ कहें तो और बात है, लेकिन वो कुछ टीजर छोड़ते हैं नवाज शरीफ की आमद के हवाले से जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो हमने जो प्लान बताया है। तो मौलाना साहब आसिम भाई ये सर ये बताइएगा कि आपकी आपकी रीडिंग के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान का बाजू छोड़ चुकी है या अभी भी वो जो वन पेज है उसके दरमियान में जो ग्लू है वो ताजा है और उसी तरीके से मामला चल रहे हैं? व्हाट इज योर रीडिंग? देखिए एस्टैब्लिशमेंट का पहले तो ये समझना होगा कि कौन सी एस्टैब्लिशमेंट, एक हमारी रियासती एस्टैब्लिशमेंट है और एक बुरोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट है और एक अवाम की भी एस्टैब्लिशमेंट है। तो बात तो ये है कि अगर आपका अदारा एक अदारे की तरफ इशारा है तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान और उनके दरमियान में कोई किसी किस्म का कोई मामला जो है वो खराब है, लेकिन क्योंकि मौशी सूरतेहाल इतनी अबतर हो चुकी है कि इस वक्त उनके पास भी कोई चॉइस नहीं है कि वो किस तरह पाकिस्तान के मौशी इशारे को बेहतर करें, पाकिस्तान की गिरती हुई मीशत को बहाल करने के लिए जो लोकल इन्वेस्टर है उन्हें एंगेज करें और वो जो भी पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े सनतकार हैं वो शायद इमरान खान के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे जितने वो माजी के हुक्मरानों के साथ, चाहे वो पीपल्स पार्टी है या नून लीग है उनके साथ होंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब और जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है, मैं इदारे की तरफ इशारा कर रहा हूँ, इनके दरमियान में कोई एक सफे पर है या कोई रिफ्ट पैदा हो चुकी है जिसका तासुर नून लीग दे रही है कि कोई रिफ्ट पैदा हुई ISI के चीफ की तैनाती के ऊपर जो मामला हुए? देखिए रिफ्ट ना कुछ ये जो ये ऐसी थिन लाइन है कि यहाँ पर जो मामला था ना ये बहुत कम ही हम ये कहेंगे पाकिस्तान या इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये चीजें आती है, क्योंकि तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि हर ये बड़ी थिन लाइन है और रेड लाइन भी आप कह सकते हैं कि कोई भी इसे क्रॉस नहीं करता और ये जब तक कोई अंदर से इसके ऊपर अगर कोई इसे ओन करता है तो उसके बाद ये चीजें मीडिया की जहनत भी बनती है। जो माजी 2 माह कबल की आप जो बात कर रहे हैं DGISI के हवाले से वो बिल्कुल सबके सामने है और उसमें हुकूमत की एक बेवकूफ़ी ही कहा जा सकता है कि वो छोटी सी बात तो वो मीडिया में लेके आई और उसके बाद उनकी जो तमाम मामला थे वो सबके सामने आ गए। असल में अगली बात एक्सटेंशन है वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगी और उसी को देखते हुए जो हालात हैं वो मुनहसर होंगे कि इस हुकूमत के साथ वो हालात कितने चलेंगे। तो लेकिन इशू यही है कि इमरान खान क्या रहते हैं या नहीं रहते, ये 2 से 3 माह बड़े अहम होंगे और यही लॉन्ग मार्च के लिए इसीलिए जो टाइम दिया गया है वो भी उसी को चीजों को मदद। नवाज शरीफ की वापसी की जो डील है मुबैना डील है इसको ब्रोकर करने में जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है उसका हाथ है क्या? वो इस ऑन बोर्ड है मामला में? मैं इदारे की बात करता हूँ। देखिए रजा उसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। नवाज शरीफ पाकिस्तान से जद्दा गए थे तो किन्होंने भेजा था? क्या कोई हुक्मरान कभी भी नहीं कर सकता? देखिए पावर कॉर्नर्स होते हैं हमेशा वही कुछ देते हैं। आपके पास आपका जो पैनल प्रोड्यूसर होगा वो उसके पास पावर है कि वो क्या स्विच करे क्या ना स्विच करे और हम यहाँ पर कैमरे के दोनों सामने बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई
राइट नहीं है, हम बोल तो सकते हैं लेकिन हम मामला को उस तरह स्विचिंग नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो हुकूमत चला रहे हैं वो वही हल्के चला रहे हैं और उन्हें उनके पास ही तमाम चीजें हैं। अगर ये कहा जाए कि NRO देना है या नहीं देना, ये डील करनी नहीं करनी, तो वही कर सकते हैं। और नवाज शरीफ के मामले में भी अभी भी जो मामला है कि वही तमाम मामला तय कर रहे हैं। इमरान खान जो आके चीखते हैं, बार बार कहते हैं कि मुझसे NRO मांग रहे हैं, वो NRO मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं भाई? आपसे तो कोई भी नहीं मांग रहा, कौन मामला कर रहे हैं? तो हुकूमत ही इन तमाम चीजों को फिर आगे लेके आती है और उसके बाद फिर सबको पता है कि दोनों तरफ से किसके ऊपर प्रेशर रखा जाता है। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट अपना प्रेशर हुकूमत पर रखती है, दूसरी तरफ हुकूमत अपना प्रेशर कम करने के लिए वो चीजें मीडिया पे लेके आती है। और जो डील का जो एक सर, हाउस ऑफ शरीफ में आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, हाउस ऑफ शरीफ के अंदर दो नैरेटिव्स हैं, आपको लगता है कि दो नैरेटिव्स उनके घर में मौजूद हैं, मरियम वर्सेस शहबाज? अगर ऐसा है तो अगला वजीर आजम फिर कौन होने जा रहा है? देखिए रायवंड में क्या बात तो है? जी बिल्कुल, नैरेटिव तो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नवाज शरीफ के जब जिस वक्त उनका एहतसाब हो रहा था, जब ड्रामा चल रहा था और उन्हें जब सजा हुई, उस वक्त हमेशा से ही जब वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में भी थे और कुर्सी से उतर भी गए, तो ये बड़ी जबान सत्य आम थी, उससे कबल भी ये चीजें चलती रही। लेकिन ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ की स्ट्रेटेजी है कि वो इस चीज के ऊपर वो अपने आप को सिलेंडर करके वो हमेशा यही कहलवाते हैं अपनी बेटी से भी कि हमारे अंदर किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन ये हकीकत है, इसे हम मुंह कोई भी नहीं मोड़ सकता कि दोनों तरफ, एक तरफ जारा मूड है कि जारहाना आपने पॉलिसी लेके चलनी है और एक तरफ जो है मुफामत का है, और वो यही समझते हैं शहबाज शरीफ वही समझता है कि हम मुफामत करके चलेंगे, हम अदारों के साथ चलेंगे तो शायद ही हम इख्तदार की कुर्सी पे पहुंच सकें, अदरवाइज हमारे साथ वही कुछ होगा जो 2018 में हमारे साथ हुआ, जो 1999 शहबाज शरीफ होंगे। इसमें तो दूसरी राय कोई नहीं, इसमें तो बहस मरियम नवाज नहीं हो सकती। मरियम नवाज और नवाज शरीफ तो डिस्क्वालिफाइड है, और वो किस तरह एक ना है जो शख्स है या खातून है, वो किस तरह जब उन्हें अदालत की तरफ से उनके खिलाफ सजाएं आई हुई हैं और वो सजाएं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो वो किस तरह इलेक्शन में जा सकते हैं? तो कैंडिडेट तो इस पर बात, अगर वो इदारा चाहेगा तो सजाएं तो फिर हो जाएंगी, अगर इदारा चाहेगा तो सजाएं तो क्लियर हो जाएंगी सर, तो उसके बाद तो वो बन सकते हैं चीजें। वो ये दिस एंड डेट है कि वो कब है, वेन है और कब होगा, वो तमाम चीजें जो है वो चीजें चलेंगी और इस तमाम चीजों के अंदर अभी काफी टाइम है। मैंने अपने व्लॉग में भी कहा था, अभी आपके साथ भी, आपके नाज़रीन के लिए भी यही इंफॉर्मेशन है कि अभी देखें, अभी जो आने वाले दिन है, आप 5 जनवरी से देखेंगे कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के अंदर जो है बहुत ज्यादा आपको सियासी एकदम हलचल नजर आएगी, उसमें पीपल्स पार्टी का किरदार नजर आएगा, नून लीग आपको एक्टिव नजर आएगी, तरीके इंसाफ हुकूमत में होने के बावजूद एक्टिव नजर आएगी। तो फिर इन तमाम सूरत हाल में जब ये तमाम चीजें हो जाएंगी, फिर आगे जाके पता चलेगा क्या मरियम नवाज अहल हो रही है, नहीं हो रही। अगर तो मरियम अहल हो जाएंगी, उसके बाद फिर ये देखना होगा, क्योंकि ये शरीफ खानदान आखिरी दिन तक अपने कार्ड्स पर आगे खेलता है। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर मरियम नवाज अहल हो जाती हैं और नवाज शरीफ ना अहल ही रहते हैं, तो इस तमाम के बावजूद भी मरियम नवाज शायद ऊपर जाने की बजाय उन्हें नवाज शरीफ पंजाब में चीफ मिनिस्टरशिप की तरफ ले आएंगे और शहबाज शरीफ जो है उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप का ही कैंडिडेट तो सबर किया जाएगा और उन्हें कैंडिडेट के मेल बनाया जाएगा, लीड करेंगे। तो सर ये जो गढ़ा इस वक्त पीटीआई ने बना दिया सर, माशी गढ़ा, सफारत गढ़ा, इल परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस, आपको लगता है नूली की गवर्नमेंट आ जाए तो वो इसको भर पाएंगे, गवर्नेंस बेहतर हो पाएगी? इसहाक डार साहब भी अगर वापस आ जाए वो कुछ बेहतर कर सकेंगे मामला जहां पे पाकिस्तान जा चुका है? देखिए बतौर पॉलिटिकल साइंस का और इकोनॉमिक्स का एक स्टूडेंट होने के नाते, हालात तो हमेशा ठीक हो सकते हैं और इसमें कभी भी बिगड़ती हुई जितनी मर्जी मुशियत हो वो संभल सकती है अगर आपके इरादे भी हों और आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। इशू वही होता है कि आपके अगर आपके पर लोकल आपका जब तक इन्वेस्टर आपके साथ खड़ा नहीं होगा तो आपके साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जितनी मर्जी आ जाए आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको मौशी, आपको एक नई पॉलिसी देना होगी और चाहे वो नून लीग की हुकूमत आए, पीपल्स पार्टी की आए या इमरान खान की आए, अगर तो आप आवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ बढ़ाते रहेंगे
और उसके ऊपर टैक्सेस के बोझ के साथ आप उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे होंगे, उनकी तनख्वाहों में इजाफा, दीगर मामला में आपको सब्सिडाइज नहीं कर रहे होंगे, जो आपकी रोजमर्रा की अशियाए खुदनोश है उनके अंदर आपको सब्सिडाइज नहीं कर रहे होंगे, तो फिर किस तरह आपका मुल्क जो है सर्वाइव करेगा। और एक खासतौर पर पाकिस्तान जैसा अंडर डिवेलप्ड कंट्री के जिसकी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा जो अर्बन एरिया की बजाय रूरल एरिया में है, उसके बावजूद वहां पर भी इजनास की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आज की लेटेस्ट जो खबर आ रही है, जो शुगर मिल एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में चीनी की जो कीमत है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो इशू आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौशी जो छोटी छोटी गेजेस है कि जो जिन्हें आपने मॉनिटर करना होता है उसके अंदर आपको क्या कुछ होगा, तो मौशी तौर पर काफी मुश्किल होगा, लेकिन अगर डायरेक्शन होगी आपके पास टाइम कम है, मैं आपसे सिर्फ आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब एक अहम इजलास के अंदर जहां पर मिनी बजट पेश हो रहा था, उस बजाय इसके कि अवाम को बचाते उसके सामने खड़े होते, उस इजलास से सर निकल गए थे ही नहीं उस इजलास के अंदर, बिलावल भुट्टो नहीं थे और ये कैंडिडेट हैं फॉर द नेक्स्ट पीएमशिप, आप इनको कैसे देखते हैं सर इस पूरे मामला? ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तानी अवाम की, एक अपोजिशन लीडर जो कि अवाम का के दुख दर्द की बात करता है, जो कहता है मैं अवाम के साथ हूँ और हुकूमत के खिलाफ वो बयान देता है, और वो जहां पर ये बजट पेश किया जा रहा है वहां पर वो नहीं था। मैं इसे इसी तरह भी दूंगा कि जिस तरह हुकूमत जो है वो प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस से और दावों से आगे नहीं है, इसी तरह ये अपोजिशन भी प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रही, और इन्हें अवाम कभी माफ नहीं करेंगे अगर इनका बतौर अपोजिशन लीडर ये अगर बिहेवियर रहेगा, ये इनका होगा कि ख्वाजा आसिफ भी चंद जुमले ये इन लोगों की सर हुकूमत के साथ डील डन थी शहबाज शरीफ साहब की कि हमने नहीं आना, कोई ये कंप्लिसिट थे सबके अंदर, आपको क्या लगता है या क्या मजबूरी क्या थी इनकी के चले गए? ये देखेंगे तो अब हर शख्स को पता चल रहा है, ये जितना मर्जी छुपा लेंगे इनकी डील नहीं हुई, डील तो इनकी हो चुकी हुई है, ठीक है। इन्हें जिन्हें वो समरियों में जो लेके आते हैं ये खुद कहते हैं, हम तो नहीं कहते, ये लोगों का अपोजिशन कहती है ना कि ये जो हुकूमत के अंदर जब हम भी थे तो वो लोग ला ला के बैठाते हैं, अभी भी जो सेशन कामयाब कराते हैं, साथियों को कामयाब कराते हैं, तो ये वो लोग हैं जो सब चीजें कराते हैं, तो इन्हें भी तो घर में वही लोग बैठा रहे हैं उनके, इसका मतलब है कि ये सब लोग एक ही है, अवाम का दुख दर्द तो उन्हें किसी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऊपर यानी एक सर मिनी बजट का पास करवाने का जो शहबाज शरीफ साहब का रोल है वो उस डील का हिस्सा है कि आप अभी फिलहाल उसके ऊपर इजी जाने दें, आपको ले आएंगे, ऐसे ही है सर? ये एग्जैक्टली है, तो ये उसका तासुर उनके नाने से तासुर तो यही मिला है, उनके नाने से तासुर यही मिला है, उसकी वजह यह है कि IMF का बहुत ज्यादा प्रेशर था, ये ऑर्डिनेंस से भी हो सकता था, लेकिन IMF की तरफ से बतौर जो हमें इतलात है कि उनकी तरफ से कहा गया था कि आप इसे पार्लियामेंट के अंदर से लेके, और अगर ये पार्लियामेंट के अंदर जाके IMF के खिलाफ से उसे ये वहां पर रिजेक्ट करते तो अगर इनकी अगली हुकूमत भी आती और जब ये IMF में जाते, क्योंकि उनकी तो अपनी पॉलिसीज है, वो पॉलिसीज का तसलसल चलता है, तो इन्होंने किस मुंह से उनसे कहना था? ये तो पंजाब हुकूमत लेने से पहले 2008 में कहते थे कि हम कर्जे नहीं लेंगे, हम लालच मारते हैं, हम ये करेंगे, अक्षय मुझे तो याद है चीजें, और ये कहते थे कि हम किसी से कर्जा नहीं लेंगे, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक में, इन्होंने कहा हम वर्ल्ड बैंक में नहीं जाएंगे, और उसके बाद ये वर्ल्ड बैंक में नहीं गए, लेकिन फिर कहते थे नहीं वो तो डिपार्टमेंटल तौर पर जा रहे हैं और हम डेफर्ट के साथ गए हैं, जबकि आपके जो मुख्तलिफ चल रहे हैं महकमे, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो बिरूनी मुल्कों के कर्जों के साथ चल रहे हैं, तो ये तमाम चीजें तो एक ही एक आम बंदे को सिर्फ समझा दें कि क्या ये जो मिनी बजट है ये IMF के कहने के ऊपर रियासती फैसले के तहत पास हुआ है और इस रियासती फैसले में अपोजिशन भी शामिल है, ऐसे ही है बिल्कुल? जब अपोजिशन लीडर नहीं बैठा होगा, जब जरदारी साहब आपको नहीं नजर आएंगे, तो आप फिर समझ सकते हैं ना कि जो जो अपने आप को लीडर कह रहे हैं अगर वो नहीं होंगे तो फिर आप इसलिए आपको किसी चीज का आपको अभाव नहीं होना चाहिए कि ये लोग उनके फैसिलिटेटर नहीं है, ये फैसिलिटेटर है उस हुकूमत के, ये अगर इन्हें अवाम का दर्द नहीं है कि अवाम को इतनी महंगाई, इतनी अद्वियात की कीमतें, इतने टैक्सेस लग रहे हैं, इतनी चीजें, और ये कह रहे हैं अभी और होने दे, अभी और होने दे, भाई आप क्यों मजा ले रहे हैं? इशू तो देखिए आपकी अपोजिशन आप कर रहे हैं, तो मेरा नजर अगले मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि यू मस्ट बी हैविंग सम इंफॉर्मेशन कि इस फैसिलिटेशन के बदले
इनको क्या नजर आ रहा है अपनी हुकूमत के लिए, क्या ये इसके बदले ये आ रहे हैं वापस, या क्या है मतलब? नहीं, ये क्योंकि पाकिस्तान का, पाकिस्तान तो सबका है ना, तो अब वो जो पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान का जो नारा है, तो वहां से तो यही आवाज आएगी ना कि भाई आप पाकिस्तान के लिए करें, तो फिर इन्होंने भी फैसिलिटेट उन्हें करना है कि ठीक है ये शोर शोर कर रहे हैं, ये आवाम को बता रहे हैं कि लो जी आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आप रोक तो नहीं सके, आप तो पार्लियामेंट के अंदर कुछ नहीं कर सके, आप सेनेट के अंदर आप मेजोरिटी में होते हुए अपने उन लोटों को एक्सपोज नहीं कर सके जिन लोगों ने आपको वोट नहीं किया था, अभी तक क्यों नहीं उन लोगों को आपने सजाएं दी, क्यों नहीं अपने पार्टी से निकाला, हमें सिर्फ उन तीन चार लोगों को निकाला जो मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को मुस्लिम लीग नून ने निकाला भी, जिन्होंने उस्मान गुजार से मुलाकातें की थी, उनकी कोई वर्थ नहीं थी, अगर वो इलेक्टेबल होते मैं आपको कंफर्म कहता हूं, इन्होंने उन्हें भी कुछ नहीं कहना था, वो तो इनकी पार्टी, नहीं पता कि हमारी सीटें हैं हम इन्हें निकाल देंगे, हम यहाँ पर नए बंदे ले आएंगे, तो ये इशू ये है कि यहाँ पर मजबूत लोगों की हमेशा से ही पाकिस्तान में सुनी जाती है, और जो पाकिस्तान का सिस्टम चेंज करने का इमरान खान नारा लगाता है या कोई और लगाता है, वो नारा बहुत मुश्किल है कि इन हालात में तब्दील हो अगर रवैये इसी तरह रहेंगे। हाँ, अगर आप आवाम की बात करेंगे, आवाम के साथ चलेंगे, फिर आवाम भी आपके साथ दो कदम ज्यादा तेज भाग के चलेंगे, और ये कहते हैं कि आवाम हमारे लिए बाहर नहीं निकलती, इन्हें भी अपने रवैयों पर गौर करना होगा करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम नसीब साहब टाइम देने के लिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सेशन जो है हमें महीने में दिया कीजिए, हम सिटिंग और भी इस तरह की करेंगे। बहुत जबरदस्त हमारी ये डिस्कशन रही, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, बड़े मुदल्लल और बड़े वाज़े तौर पर उन्होंने तमाम तरह बातें, चाहे वो नवाज शरीफ की वापसी हो या कोई जो पार्लियामेंट के अंदर मामला चल रहे हैं, जो तमाशे चल रहे हैं, जो पुतली तमाशे चल रहे हैं, उनकी भी हकीकत उन्होंने बयान की। सियासत के ऊपर उनकी गहरी नजर है और उसी का उन्होंने तजिया किया। अब तक के लिए इतना ही, हम मजीद तजियों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। शुक्रिया।